नमस्कार, मैं तन्वी इस कार्यक्रम की सूत्रधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि हम इस कठिन समय में भी रूबरू हो पा रहे हैं। अप्रैल का महीना, किसे पता था कि यह महामारी फिर से दस्तक दे जाएगी और भी भयंकर रूप में। फिर से सभी लोग अपने घरों में समट गए थे, परंतु जिंदगी चलती ही रही। तो चलिए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं इनका जीवन इस महामारी में कैसा है। मैं एक डॉक्टर हूँ जिन्हें लोग भगवान का दर्जा भी देते हैं। डॉक्टर की डिग्री मिलते वक्त हम शपथ लेते हैं, मेरा जीवन बीमार लोगों की सेवा में बीतेगा, यही मेरा धर्म होगा। यही बात याद रख हम डटे डटे दिन रात कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा की। यह भूलकर हमारा भी एक परिवार। मेरा दिल से सलाम उन सभी अध्यापकों को जो अपनी दुख तकलीफ भूलकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते रहे। मेरा सभी गुरुजनों को नमन। इतिहास आपके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मैं तो मोबाइल अच्छे से प्रयोग करना भी नहीं जानती थी। जब मेरे विद्यार्थियों पर यह संकट आया तो मैंने सब सीखा। रात को मैं लेसन प्लान करती और वीडियो बनाती और सुबह अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती। मुझे दिखता था तो केवल अपने विद्यार्थियों का सुनहरा भविष्य। भाई मेरी तो मौत हो गई। पापा ने फोन ला कर दिया है। पापा मम्मी काम में बिजी रहते, मैं मोबाइल पर गेम खेलते रहता, टीचर पढ़ाते रहती, मैं वीडियो फोन के मस्ती मारते रहता। किसी को क्या पता चलता है, आई एम सो स्मार्ट हियर। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ की नौकरी चली गई, पिताजी की आधी तनख्वाह में गुजारा करना था। माँ ने अपना फोन मुझे दे दिया और बोली तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मैंने देखा यदि मेरे टीचर इतनी मेहनत कर रही है तो मैं क्यों नहीं। बहुत मन करता है खेलने का, लेकिन क्या करूं? पार्क में कोई खेलने नहीं आता, अब किसके साथ खेलूंगा। सोचा था शादी में ये करूंगी वो करूंगी, ये पहनूंगी वो पहनूंगी। शादी में केवल 10 लोग आए, सारा मेकअप मास्क के पीछे छिप गया, दूल्हे का चेहरा भी मास्क के पीछे छिपा था। हाय रे लॉकडाउन की शादी। मैडम जी मास्क पहन लीजिए। अरे का बताएं बाबू, जैसे तैसे कमा कर पेट तो भर रहे थे, वो कमाई भी छीन गई। घर से बेघर हो चले अपने वतन की ओर। खाली पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता। हे राम क्या जिंदगी है हमारी। यार इस लॉकडाउन में तो मेरा बुरा हाल हो गया है। ऑफिस में बॉस की चिक चिक और घर में बीवी की डांट, धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाट का। जिंदगी के इस सफर में बहुत से अपनों का साथ छूट गया, उन्हें मेरा प्रणाम और श्रद्धांजलि। विल ऑलवेज मिस देम।
परेशानियाँ आप भुगत रहे हैं, यह आपके ही कर्मों का फल है। बस करो, बस करो, अब मत खिलवाड़ करो मुझसे। आओ मिलकर शपथ लें कि तुम सुधरोगे तो ये दुख के काले बादल भी छट जाएंगे। कहाँ तक ही ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी, नए फूल फिर से डगर में खिलेंगे। ये उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले ही तेज कितना हो हवा का झोंका, मगर अपने मन में तो रखे भरोसा। जो पिछले सफर में कल फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर जन्नत की गली